हेलो हाय, वेलकम टू वीजा सपोर्ट। वीजा सपोर्ट में आप सभी लोगों का, भाइयों का, बंधुओं का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रखी है वो है कतर के लिए। कतर कंट्री के लिए रिक्वायरमेंट है। कंपनी का नाम है लुसेल हॉस्पिटलिटी कतर। ये फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है। इसमें ये गवर्नमेंट कंपनी है कतर की, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के लिए अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट है। लाइक एसी टेक्नीशियन, प्लम्बर, रूम अटेंडेंस और गार्डनर की भी रिक्वायरमेंट है। इसमें जो सैलरी है भाइयों, वो मैं अभी थोड़ा देर में आप लोगों को डिस्कस करूँगा। पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ा बता दूँ आप लोगों को। ये कंपनी जो है गवर्नमेंट कंपनी है कतर की, और इसका मोस्टली काम होता है फैसिलिटी मैनेजमेंट की, मेंटेनेंस की काम मोस्टली ये कंपनी करती है। ठीक है, आप लोग गूगल पे अगर करोगे लुसेल हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट कंपनी, तो वो आपको तुरंत निकल जाएगा। ये बहुत ही पुरानी कंपनी है, गवर्नमेंट की है, और हमने इसमें बहुत पहले से काम कर रहा हूँ। इसमें कुछ लड़के भी भेज रखा हूँ, जिसका बहुत ही अच्छा रिप्लाई उधर से है कि कंपनी अच्छी है, सैलरी अच्छी आती है, काम का कोई लोड नहीं होता, और कपड़े वगैरह सारा चीज़ अच्छा देता है। मतलब बहुत अच्छा है कंपनी, खाना फ्री है, लॉन्ड्री फ्री है उसके अंदर, ओवर टाइम अलग से चलता है। तो हमने इसमें डक्टमैन भी भेज रखा है, हमने इसमें गार्डनर भी भेज रखा है। ठीक है, अभी यही दो कैटेगरी का चल रहा था, तो ये दो कैटेगरी हमने भेज रखा है इसमें, और वो दोनों अच्छे कमा रहे हैं। मतलब कंप्लेन बिल्कुल नहीं, गया तो वहाँ कमा रहा है, वो 4 साल 5 साल आना नहीं है उनको, आराम से कमा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कंपनी जो है ये वीज़ा किस तरीके से प्रोवाइड करती है। तो ये जो कंपनी है ये QVC वीज़ा प्रोवाइड करेगी आपको, जो 2 साल की होगी, बट प्रोजेक्ट लंबा होता है। ठीक है, तो वीज़ा प्रोसेस होने से पहले का जो प्रोसेस है ना, वो पहले आपका डॉक्यूमेंट हमारे पास आएगा। CV सिलेक्शन काम है, आपका जूम पे या व्हाट्सएप कॉल पे, वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होना है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे। ठीक है, विथ पढ़े लिखे हो तो बढ़िया है, पढ़े लिखे का ही सिलेक्शन वो करते हैं। मोस्ट बेसिकली उनको इंग्लिश कम्युनिकेशन लड़का चाहिए, जो इंग्लिश में इंटरव्यू आराम से फेस कर ले, कोई टफ नहीं होता, आसान होता, बेसिक लैंग्वेज में ही बात करा जाता है। ठीक है, तो इनका जो इंटरव्यू होता है, जैसे हम CV आपसे लिए, आगे हमने फॉरवर्ड करा, 10 दिन 15 दिन का टाइम इस बीच में लग जाता है शॉर्ट लिस्टिंग करने में कंपनी को। उसके बाद हमें सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट दिया जाता है, उस अकॉर्डिंग टू द लिस्ट हम लोग आपको कॉल करते हैं और फिर इंटरव्यू के लिए रेडी करते हैं। और जो भी लिंक हमारे पास आता है, या वो जूम का हो, या गूगल मीट का हो, या अपना व्हाट्सएप का, वो लिंक आपको प्रोवाइड किया जाता है एक सेलेक्टेड डेट और टाइम पे, तो वो आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वो ज्वाइन करके इंटरव्यू आराम से फेस कर लेंगे। इंटरव्यू देते समय आपको ये चीज़ हमेशा रखना है, गौर करने वाली बात है, ध्यान में भी रखना है, जो कि आप जो कम्युनिकेट करेंगे वो फॉरनर लेते हैं इंटरव्यू, वहाँ का जो यूरोपियन कंट्रीज़ का होता है, वो मैनेजर है वहाँ का, और इंजीनियर्स भी उधर से ही है मोस्टली उनके पास, तो वो जो इंटरव्यू लेते हैं तो वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज उसका इंग्लिश है। ठीक है, तो इसमें कोई हड़बड़ाना और घबराना नहीं है, आराम से इंटरव्यू फेस करना है, आराम से बातें करनी है, पहले समझना फिर आंसर देना है। अगर आपको कोई चीज़ पता ना हो, आप फंस रहे हो, तो उनको आप ये बोल सकते हैं कि सर मैं बेटर आपको कर दूंगा, थोड़ा हो सकता है कि मैं समझ ना रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में अपने आप को मैं अपग्रेड कर लूँगा। ठीक है, इस तरीके से इंटरव्यू आपको फेस करना है। मोस्टली गार्डनर में देखा जाए तो फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी उनको चाहिए, किस सीजन में कौन सा फूल आता है वो इनको जानकारी चाहिए। ठीक है, मिट्टी का जो होता है ना, एक सॉइल किस प्रकार का होता है, किस मिट्टी में कैसा पौधा उग सकता है, वो बेसिकली नॉलेज अगर आप गाँव घर में रहते हो तो आपको पता होगा। बस दिक्कत ये कम्युनिकेशन थोड़ा इंग्लिश में करना, वो कोई बड़ी बात नहीं है, जो पढ़े लिखे होंगे 10वीं 12वीं भी वही अप्लाई करें, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो टूल्स आता है गार्डनर्स के लिए, जो खुरपी वगैरह होता है और अलग अलग टूल्स आता है, वैसा आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आता है रूम अटेंडेंस, जो अपना होटल्स का है, वो मोस्टली 1700 प्लस 300 दे रहा है, तो उनको चाहिए HM किया हुआ लड़का, होटल मैनेजमेंट, वैसा लड़के चाहिए जो फ्लुएंट इंग्लिश हो, जिनको हाइजीन के बारे में प्रॉपर जानकारी हो, जो होटल में कभी काम कर रखा हो या काम कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसा कैंडिडेट हमें चाहिए, या अगर HM कर रहा है ड्यूरिंग द HM, उन लोगों को ट्रेनिंग भी कराया जाता है कई सारे प्रोजेक्ट पे ले जाके, तो वैसे लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वेल लुकेड लड़का चाहिए। ठीक है,
ये हो गया आपका रूम अटेंडेंस का। अब प्लम्बर का आता है, तो प्लम्बर हमें चाहिए गल्फ रिटर्न, जो बाहर से रिटर्न है और उन्हें सारा काम आता हो, मेंटेनेंस का मोस्टली काम होता है। तो प्लम्बर में वही आदमी अपना डॉक्यूमेंट दो जो मेंटेनेंस का काम कर ले, ठीक है, और थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल उनका बढ़ जाओ इंग्लिश में, जो कि सामने वाले को अच्छा से टैकल करके उनका काम करके सही से दे दे, ठीक है। उसके बाद एसी टेक्नीशियन, तो एसी टेक्नीशियन विंडो एंड स्प्लिट का हमें चाहिए, विंडो एंड स्प्लिट, जो डेटन डोटन जो भी हो इंस्टॉलेशन करना आना चाहिए, रिपेयर करना आना चाहिए, सर्विसिंग करना आना चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर ब्रीजिंग का काम करना आना चाहिए, जो पाइप जो हम लोग लीकेज होने के बाद जिसको सोल्डिंग करते हैं वो काम भी आना चाहिए, ठीक है, एसी टेक्नीशियन का। तो ये तीन कैटेगरी है। जो एसी टेक्नीशियन का सैलरी, अब सैलरी बता दूं आप लोगों को, 2200 प्लस 300, टोटल 2500 है, अराउंड 50,000 प्लस, 300 खाने का दे रहा है, 2200 आपका बेसिक है वो 8 घंटे का। उसका प्लम्बर को 1500 प्लस 300, ठीक है। उसके बाद जो रूम अटेंडेंस है उसको 1700 प्लस 300, और गार्डनर जो उसको 1500 प्लस 300 कतरे रियाल है, सारा कतरे रियाल में मिलेगा, ठीक है। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड है और प्लीज़ हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करें, व्हाट्सएप पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं और इंस्टा पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू भी हमें कर सकते हैं मैसेज। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है दिए गए डिटेल्स पे कांटेक्ट करें जल्दी से जल्दी, और डॉक्यूमेंट भेजने से पहले ये ध्यान जरूर रखना कि वो फुल स्कैन किया हुआ हो, उस कंप्यूटर के द्वारा स्कैन किया हुआ हो, एकदम साफ हो और सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसमें अटैच हो विथ वाइट बैकग्राउंड फोटो के साथ, ठीक है, और आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड हो, और जो आप कैटेगरी के लिए जिस पोजिशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो रिज्यूम के ऊपर सबसे पहले वो लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, और हमारे पास ये लुसाइल कतर का रिक्वायरमेंट हमेशा रहता है, ये एवरग्रीन काम है हमारे लिए, मतलब हमेशा रहेगा। जो भी भाई जाना चाहता हो आप डॉक्यूमेंट छोड़ दो, 2-4-5-6 महीने में हम करवा लेंगे काम, हालांकि ये काम हमें 15-20 दिन में ख़त्म करना है, तो इसके बाद फिर आएगा। तो हम ईयरली इसका टारगेट होता है, साल में ये हमसे 500-600 लड़के ले जाते हैं, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज़ संपर्क करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।